नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। यहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी मंदिर निर्माण की प्रगति का भी जायजा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि दूसरी बार सीएम बनने के बाद उनका ये पहला अयोध्या दौरा होगा। वहीं पिछले कार्यकाल के दौरान सीएम योगी केवल अयोध्या में ही 40 से अधिक बार अलग अलग मौके पर पहुंच चुके हैं। तो आपको बताते चले कि सीएम योगी के 2.0 कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ आज पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं अगर उनके पहले कार्यकाल की बात करें तो वो केवल अयोध्या में ही 40 से अधिक बार अलग अलग मौकों पर पहुंच चुके हैं। वही ये भी कहा जा रहा है कि आज सीएम योगी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो वो राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लेने के साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे, साथ ही राम जन्मभूमि भी जाएंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है, यानी कि 2.0 कार्यकाल की जब से उन्होंने शपथ ली है, वो पहली बार अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। तो आपको बताते चले कि जब सीएम योगी अपने पहले कार्यकाल में थे तो वो अयोध्या में ही 40 से अधिक बार अलग अलग मौके पर पहुंच चुके थे। और जब भी सीएम योगी अयोध्या जाते हैं तो अक्सर वो हनुमानगढ़ी नहीं तो रामलला का दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं। वही अगर बात करी जाए, चुनावों में भी भाजपा ने खुलकर ये बात कही थी कि उनके कार्यकाल में ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। तो बता दें कि अगर भाजपा की अगर राजनीति की धुरी की बात की जाए तो वो अक्सर ही राम मंदिर, हिंदुत्व और अयोध्या के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। यही वजह रही कि सीएम योगी अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी 40 से अधिक बार अलग अलग मौके पर अयोध्या पहुंचे हैं, जबकि रामलला का उन्होंने जब भी वो अयोध्या गए हैं वो वहां पे हमेशा ही उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए हैं। साथ ही आज भी जब सीएम योगी अयोध्या जाएंगे तो वो रामलला का दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्य की जो प्रगति है उसका भी जायजा लेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि सीएम योगी अयोध्या के बाद अन्य जनपदों का भी दौरा करेंगे। लेकिन अगर खासा बात करी जाए अयोध्या की, तो इस वक्त पूरे प्रदेश की निगाह अयोध्या पर टिकी हुई है, क्योंकि सीएम योगी अपनी दूसरी पारी में आज पहली बार अयोध्या जा रहे हैं, जहां वो राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भी शिरकत करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, सीएम आदित्यनाथ के कब तक अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है? जी मुस्कान, अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री का जो है वो तीन जिलों का दौरा है। अगर बात करें तो सबसे पहले वो सरोजनी नगर से अपने अभी महज कुछ समय में वो सरोजनी नगर पहुंचेंगे। 10:40 से जो प्रधानमंत्री आज वर्चुअल संवाद परीक्षा जो परीक्षा को लेकर संवाद कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा नाम पे, तो इस चर्चा में सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ उसके बाद वो वहां से 12 बजे एमएलसी चुनाव को लेकर एक वर्चुअल संवाद रखा गया है, जिसमें जो एमएलसी चुनाव के वोटर हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सभासदों के साथ में आगामी जो विधान परिषद के चुनाव है उसको मंथन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और ठीक उसके बाद वो अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 बजे वो अयोध्या प्रस्थान करेंगे और उसके अयोध्या प्रस्थान करने के बाद वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर और श्री हनुमान का दर्शन करेंगे। उसके बाद पश्चात जो मंडल समीक्षा बैठक वहां रखी गई है अयोध्या के कुछ लोगों के साथ और पदाधिकारी मंदिर समिति के लोगों के साथ एक बैठक रखी गई है, उस बैठक में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां आपके वहां से निकलकर और बलरामपुर के देवी पाटन मंडल में पहुंचेंगे और देवी पाटन के जो मंदिर है वहां पे, वहां रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखा गया है। तो योगी आदित्यनाथ आज
पूरे दिन सबसे पहले सरोजनी नगर जाकर छात्रों के बीच रहेंगे, फिर एमएलसी चुनाव को लेकर वो मंथन करेंगे और ठीक बाद वो अयोध्या जाएंगे जहां हनुमानगढ़ी और रामलला विराजमान के जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है उसको देखेंगे और साथ ही साथ वहां समीक्षा बैठक करेंगे मंदिर प्रशासन और तमाम वहां जुड़े हुए लोगों के साथ, और उसके बाद वो देवीपाटन में जाकर रात्रि विश्राम करेंगे। जी यानी भांजी, ये कहा जाए कि योगी का जब से 2.0 कार्यकाल शुरू हो चुका है वो लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। जी अगर बात की जाए तो योगी सरकार 2.0 शुरू होने के बाद एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है कि जो भी नेता मंत्री, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी मंत्रिमंडल के अंदर में है उन्हें 100 दिन का जो अपना डेली प्लान होगा वो उन्हें करके दिखाना, 100 दिन के अंदर आप क्या बदलाव कर सकते हैं, इसको सीएम के सामने समक्ष पेश करना है। इसी कड़ी में जो सीएम है वो फुल एक्टिव मोड में आ गए हैं। वो कल देर शाम भाजपा कार्यालय के अंदर में एक वर्चुअल संवाद करते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर, उसके पहले वो तमाम विभागों के जो अफसर हैं उनसे मिलते हैं, उनसे उनको जो प्रमुख सचिव है उनके साथ बैठक करते हैं, उसके पहले वो टीम 9/11 के साथ बैठक किए। तो इसमें कह सकते हैं कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो 2.0 काफी एक्टिव मोड में है और जो हर जो भी उनके कार्य है वो प्रतिबद्ध तरीके से हर दिन लगाए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए पिछली सरकार तो इस सरकार से काफी वो सक्रिय दिख रहे हैं। जी विभांशु, अगर सीएम योगी की पहले कार्यकाल की बात की जाए तो वो 40 से भी अधिक बार अलग अलग मौके पर अयोध्या पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरे कार्यकाल में वो पहली बार अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हुई है? जी मुस्कान, अगर बात करें तो जो अयोध्या है वो हाईली सिक्योर्ड जोन है, वहाँ पैरामिलिट्री से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर हर एक सेना की टुकड़ियों को लगाया गया। साथ ही साथ यूपी पुलिस का जो जिम्मा है वो आखिरी चक्र है, वहाँ 3 चक्र की सुरक्षा है। तो आज मुख्यमंत्री जा रहे थे, इस प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पे कई ऐसे सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आज मंदिर निर्माण कार्य को भी योगी आदित्यनाथ देखने जाएंगे। वहीं बताया जा रहा है कि जो 7 लेयरिंग का काम होना था रामलला विराजमान का वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो बेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ हनुमानगढ़ी जाकर जो वहां हनुमान जी की मंदिर है उसमें जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे। तो इसी कड़ी में देखा जाए तो सुरक्षा के हर एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही साथ अधिकारियों की अगर बात करें तो उनके साथ जो अयोध्या के डीएम होंगे, साथ ही एसपी होंगे, वो भी मौजूद होंगे और सुरक्षा पे दृष्टि बनाए रखेंगे। विभांशु, अगर बात करें तो कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा रहे हैं जहाँ पे स्वयं रामलला विराजमान है, तो इसके क्या मायने निकल के सामने आ रहे हैं? जी अगर बात करें तो कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं, तो वो उनका एक व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाकर पूजा अर्चना करते आए हुए उसी कड़ी में इस बार भी जा रहे हैं, मगर विशेष कुछ ऐसा निकल कर सामने नहीं आया है। वही माना ये जा रहा है कि मंदिर कार्य निर्माण और जो वहाँ की समिति है उसकी बैठक के बाद जो बातें निकल कर आएंगी, किस बैठक में क्या हुआ और किस विषयों पे चर्चा हुआ, तो हम कह सकेंगे कि क्या मायने हैं। मगर मुस्कान आपको बता दें कि समीक्षा बैठक जो है जो रखी गई है वो वहाँ के मंदिर प्रशासन और साथ ही साथ वहाँ के कर्मचारियों के साथ रखी गई है, तो अब देखना ये होगा कि किस तरह का मंत्र योगी आदित्यनाथ आज देकर अयोध्या के अंदर में आएंगे। विभांशु, अयोध्या के बाद सीएम योगी बलरामपुर के देवीपाटन मंडल भी जाएंगे जहाँ वो नवरात्र के होने वाले मौके की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। जी मुस्कान, अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश हैं, साथ ही साथ वहाँ के मेन महंत हैं। तो अगर आपको बताना चाहे कि जो गोरखनाथ मंदिर है उससे देवीपाटन मंदिर का एक गहरा कनेक्शन रहा है, अगर इतिहास के पन्नों को उठाए तो देवीपाटन मंदिर जो है वो और गोरखनाथ एक स्वर में संचालित होता है, और एक ही अगर देखा जाए तो वहाँ के महंत ऐसी कई सारी रीति रिवाज है जो दोनों से जुड़ी हुई है। उसी क्रम में अगर देखें तो जो गोरखनाथ मंदिर के महंत और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो देवीपाटन जा रहे हैं,
वहां भी हो सकता है कि देवीपाटन का किया कलाई को लेकर आगे की जो विकास कार्य है उसमें हो सकता है कि बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर को भी कुछ ऐसा सौगात दे, जिसमें अपने आपको बता दें कि देवीपाटन मंदिर में देश भर से लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। खासकर अगर बात करें तो दूर दराज साउथ इंडिया तक से देवीपाटन के मंदिर में आते हैं, और राजस्थान मध्य प्रदेश तमाम जगहों से श्रद्धालु आते हैं। तो माना ये जा सकता है कि देवीपाटन में रात्रि विश्राम के दौरान देवीपाटन मंदिर को भी कुछ सौगात दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ। धन्यवाद दिव्यांशी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां योगी आदित्यनाथ अपने 2.0 कार्यकाल के शुरू होने के साथ ही एक्टिव मोड पर भी आ चुके हैं, इसी कड़ी में सीएम योगी अपने दूसरे कार्यकाल में आज पहली बार अयोध्या जाएंगे, जिसके बाद वो बलरामपुर भी पहुंचेंगे, वहां के देवीपाटन मंडल पहुंचेंगे, जहां वो जो कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और वहां एक मेला लगता है जिसकी भी तैयारियों का जायजा लेंगे। नया महीना शुरू होने के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने कुकिंग गैस के दामों में बढ़ोतरी की है। हालांकि ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर्स पर बढ़ाए गए हैं। दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के इस गैस सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2200 करीब 55 रुपए का हो गया है। इसके पहले सरकार ने 1 मार्च 2022 को भी कमर्शियल सिलेंडर्स के दामों में 105 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जबकि 2022 को जब सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए थे तब से 9 रुपए इसे सस्ता भी किया गया था। तो आपको बता दें, जहां लगातार देश में पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं अब लोगों की जेब पर एक और बड़ा झटका लगा है, जहां सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर यानी कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। तो महंगाई का लगातार जोरदार झटका जो है वो देश के लोगों पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एलपीजी गैस सिलेंडर्स के भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम तकरीबन 250 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार पेट्रोल और डीजलों की भी कीमतों में इजाफा हो रहा था, जो जनता के लिए परेशानी का विषय बनता जा रहा था। वहीं अब कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों ने एक बार फिर से लोगों की माथों पर परेशानियों की शिकल ला दी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता पर महंगाई की मार कितनी पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ लोगों ने कोरोना से ही अभी 2 साल पहले से लगातार जूझ रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था उस टाइम भी बेहद बुरी तरीके से हिल गई थी, वहीं अब जनता पर भी महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं और लखनऊ से विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधा हम कानपुर चलते अपने संवाददाता उपेंद्र के पास। उपेंद्र, लगातार जनता पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है, इस पर लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है? मुस्कान जी, आपको जानकारी दे दो, कानपुर जो है उद्योग नगरी, मतलब पूरे इंडिया में उद्योगिक क्षेत्र में कानपुर का नाम लिया जाता है, और यहाँ पे बढ़ते पेट्रोल जो डीजल वो दाम बढ़ते लगे चले आ रहे हैं, इससे व्यापारी काफी नाराज हैं। और आम लोगों के जो जब डीजल पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट जब महंगा हो जाएगा तो लगातार जो सब्जियों के दाम हैं और जो खाद्य सामग्री है उस पर लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, जो की आम जनता की जेब में बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है। विभांशु, अगर बात करें कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों की तो ये करीब 250 रुपए तक बढ़ा दी गई है, तो इससे छोटे व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा? जी मुस्कान, अगर बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम धीरे धीरे आसमान छूने लगे। वहीं अगर बात की जाए तो घरेलू गैस जो एलपीजी गैस है उसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, उसी क्रम में आज जो कमर्शियल सिलेंडर है उसको 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अगर बात करें तो खासतौर पर कमर्शियल सिलेंडर जो रेस्टोरेंट और तमाम रेड़ी पटरी और जो भी अपने उद्योग जगत के लिए सिलेंडर को उपयोग करते हैं उन्हें खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी जेब अब थोड़ी ज्यादा ढीली होगी और उनके जेब पे इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें तो एलपीजी गैस को अगर बात की जाए तो 22 मार्च को जो घरेलू गैस थे उसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, वहीं आज जो कमर्शियल सिलेंडर है जो 19 किलो का आता है उसमें 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
तो इसमें खास तौर पे अगर देखें तो रेस्टोरेंट संचालकों को या जो तमाम जो भी रेस्टोरेंट है या फिर जो भी ऐसे जगह है जहां पे ये गैस सिलेंडर उपयोग होता है, उन्हें खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी शिखा जी, उपेंद्र अगर बात करी जाए तो भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए थे कि वो महंगाई पर लगाम लगाएगी, लेकिन जब से भाजपा सरकार के 2.0 यानी कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई है, महंगाई चरम पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो लोगों में भाजपा सरकार के खिलाफ क्या रोष देखने को मिल रहा है? जी मुस्कान, अगर बात करें तो लगभग प्राइम टीवी की टीम जो है कांग्रेस पार्टी ने और नई अन्य दलों ने जो विरोध प्रदर्शन किया कानपुर में, लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं, जिससे भाजपा सरकार जो है वो किसी प्रकार की सुनाई नहीं, सुनाई नहीं दे रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं उपेंद्र से एक प्रश्न जानना चाहूंगी कि कानपुर को उद्योग नगरी कहा जाता है, अभी आपने बताया था, तो अब वहाँ के जो व्यापारी है, जो छोटे व्यापारी है, साथ ही जो बड़े व्यापारी है, उन पर व्यापार में कितना असर देखने को मिलेगा? जी उनके व्यापार में देखने को असर पड़ेगा, डीजल पेट्रोल के दाम जब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, सारा ट्रांसपोर्ट पे सारा खेल होता है, और जब कुछ सारे खाद्य सामग्रियां जो है सारा ट्रांसपोर्ट से कानपुर में जाता है, और लगातार महंगाई मारे लोगों की जेबों पर लगातार बड़ा असर पड़ते चला जा रहा है, और जो खाद्य सामग्रियां से सब्जियां हुई आपकी, पेट्रोल डीजल, और एक बात जहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर में जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें जो मजदूर काम करते हैं उनकी जो वेतन है वो वेतन आज 10 साल पहले जो था आज भी वही वेतन चला आ रहा है उनका, उनकी जेबों में लगातार महंगाई के बहुत ज्यादा फर्क पड़ते चला आ रहा है उनको। विपांशु, भाजपा, अब मैं अगला प्रश्न आपसे लूंगी कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए थे कि वो महंगाई पर लगाम लगाएगी, वो बढ़ती हुई पेट्रोल डीजलों की कीमतों पर लगाम लगाएगी, तो लेकिन अब उनके वादे बिल्कुल उलट साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी मुस्कान, अगर बात करें तो ईंधन और जो भी घरेलू गैस है इसके बढ़ते दामों का एक रीजन ये भी है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो 129 रुपए बैरल तेल मिलता था वो आज लगभग 155 रुपए मिल रहा है। वहीं रसोई गैसों के भी दामों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं रशिया की तरफ से बताया गया था कि भारत को वो विशेष रूप से सस्ते ईंधन प्रदान करेगा, मगर अगर बात की जाए तो भारत के अंदर में महज कुछ प्रतिशत ही रसिया से पेट्रोल और डीजल रसोई गैस लिए जाते हैं, जिससे हम ये नहीं कह सकते कि रसिया की तरफ से जो विशेष सस्ते दामों पे ईंधन दिया जा रहा है इससे भारत के अंदर में कुछ लाभ होगा। वहीं अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में युद्ध रुकने के बाद कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजलों के दाम कम हो सकते हैं। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि पेट्रोल और जो भी घरेलू गैस कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही है, उसको रिकवरी को लेकर जो पेट्रोल डीजल और ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं उसकी रिकवरी को लेकर बढ़ाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इन जो कमर्शियल गैस के रेट बढ़ने से कहीं ना कहीं जो गाड़ियां गैस से चलती है, जो सीएनजी के अलावा इस कमर्शियल गैस से चलने वाली गाड़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं उसके जो किराया है उसमें महंगा होगा, खाने महंगे होंगे, साथ ही साथ रेस्टोरेंट के खानों में महंगाई आ सकती है, क्योंकि 250 रुपए से एक बार बढ़ना ये काफी अलग होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो आमतौर पर 50-100 रुपए बढ़ता है, मगर इस बार कमर्शियल गैस को सीधे 250 रुपए बढ़ाया गया है, तो जो ग्राहक है और जो दुकानदार है उस पे इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन विभांशु, अगर रूस और यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो आपने कहा कि अगर युद्ध रुकता है तो इन सभी चीजों की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अभी युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या जब तक युद्ध नहीं रुकेगा देश की जनता को ऐसे ही महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी? जी मुस्कान, जब किसी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो इसका प्रभाव सभी लगभग देशों पे पड़ता है, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, जैसे यूक्रेन के अंदर से हमारे देश में पाम ऑयल आता है, जैसे रशिया से हमारे देश में ईंधन आता है, वैसे तमाम देश जो है जो अन्य देशों पर निर्भर होते हैं, ऐसे माना जाता है कि जब दो देशों के बीच तनाव का माहौल होता है तो अन्य देशों को भी प्रभाव पड़ता है। उसी क्रम में ये जो बढ़ते दामों का कह सकते हैं कि जो रसोई गैस, पेट्रोल और तमाम वस्तुओं पे जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसका भी एक रीजन हो सकता है, जैसा कि विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है। जी उपेंद्र, कानपुर की जनता ने महंगाई को लेकर आखिर सरकार से क्या गुहार लगाई है?
लगातार जनता गुहार ये लगा रही है कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से जो तो तेल कीमतें घटती जा रही हैं, तो कानपुर में तेल घटना चाहिए, कीमत घटना चाहिए। अब देखते हैं सरकार क्या करती जनता के लिए। धन्यवाद विभांशु और उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, और ये महंगाई बढ़ने के साथ ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के पास अगर बात मध्यम वर्गीय परिवार की करी जाए तो उनके पास उनकी इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन महंगाई में बराबरी से बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि लगातार जो मध्यम वर्गीय वर्ग है वो इन सब चीजों में ज्यादा पिसता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लगातार बीते कई दिनों से पेट्रोल और डीजलों की कीमतों ने शतक पार कर लिया है, तो वहीं अब एलपीजी सिलेंडर्स के भी, जो एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, उनके महंगे होने के साथ ही लोगों पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर्स महंगे हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।